हेलो गाइस गाइस, आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना दोस्तों, आज हम बनाएंगे पानी से वेल्डिंग मशीन और उससे आपको वेल्डिंग करके भी दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे वेल्डिंग मशीन बनाना और किस तरीके से जो कि आपको पानी के मदद से वो चलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पानी वाला जो कि वेल्डिंग सेट बनाने के लिए हमें चाहिए जो कि पानी, तो इस तरह का बाल्टी लेना है आपको और जो कि पानी इसमें डाल लेना है और पानी में जो कि आपको नमक डालना है। तो मैंने नमक इस तरह का थोड़ा सा नमक, आप 2 चम्मच के करीब नमक डाल सकते हो, तो मैं ये नमक पूरा डाल देता हूँ। तो नमक को आपको थोड़ी देर पहले डालना है कि पूरा घुल जाए अच्छी से। तो दोस्तों, नमक डालने के बाद आपको जो है कि कुछ इस तरह से यानी कि फट्टी लेना, फट्टी पे जो कि ड्रिल कर लेना, यानी छेक करने के बाद जो कि इस तरह से एंगल लेना। मैंने कुछ इस तरह का एंगल इस्तेमाल किया, आप कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, लोहे का यूज करके अगर नट वाला सिस्टम होना बहुत अच्छा होगा कि इसमें टाइटपन जो कि इसमें पूरा अच्छी से पकड़ बना रहता है, जैसे कि ये हिलता नहीं है। साथ में आपको इस तरह से एक लकड़ी लेना है, जैसे कि आपको पता है वेल्डिंग होल्डर एक चाहिए, तो उसी तरह से पकड़ने के लिए आप इस तरह से देसी जुगाड़ लगा सकते हो, जहाँ पे बस होल्डर है तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में हमने सरिया लिया और जो कि इसका वेल्डिंग रॉड। तो आपको फटाफट बना के दिखाते हैं कैसे बनता है, आप ध्यान से इसको देखते रहना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं पूरे डिटेल तरीके से बताऊंगा और ध्यान से इसको देखते रहना। उसके लिए आपको तार चाहिए, तार को जो कि आपको इसमें और इसमें जो कि लगाना है, तो मैं आपको लगा के पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से तार लगाए, दोनों पे अलग अलग तार लगाना है, दोनों तार को अलग अलग रखना है। एक तार को जो कि आपको इस तरह से होल्डर में रखना है और दूसरा तार जो कि आपका मेन बोर्ड में जाएगा, यानी जो आप जहां से करंट सप्लाई करेंगे वहां से वो तार लगेगा। तो एक तार उधर लगेगा और एक तार आपका होल्डर में हो गया, और दूसरा जिसमें हम अर्थ का डालेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ जोड़ लेना लोहे का कोई पाइप वगैरह लेके, और साथ में ये तार अर्थ में लगाना है। तो आपको चेक कर लेना अर्थ वगैरह पर, आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी अर्थ में भी डाल सकते हो, ये पावे करंट भी डाल सकते हो, अपने मर्जी है। अगर अर्थ में डालोगे अच्छा होगा। तो इसको आप बनाने के बाद आपको डायरेक्टली पानी में डालना है। तो पानी को जो नमक डाले थे, नमक को अच्छी से घोल ले, तो मैं नमक को थोड़ा घोल देता हूँ। ये देखिए, नमक पूरा अच्छी से घुलना चाहिए। तो नमक घोलने के बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से डाल देना है, यानी कि थोड़ा सा पानी से ऊपर भी रहना चाहिए हिस्सा, देख सकते हो मैंने पानी थोड़ा लेवल भी कम रखा है। और दोनों तार को अलग रखना, होल्डर वाला तार आप इधर रखना, और साथ में दोस्तों इसमें सेफ्टी भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके लिए आपको हाथ के लिए कुछ इस तरह का ग्लव्स चाहिए आपको, जो कि रबड़ का ग्लव्स बना हुआ है, ये ग्लव्स आप हाथ में पहनिए। और वेल्डिंग करने के लिए आपको चाहिए इस तरह का चश्मा, तो स्टाइलिश भी जरूरी है, तो हम स्टाइल मारेंगे थोड़ा इसमें स्टाइल नहीं, अपने आंखों की सेफ्टी के लिए। तो ग्लव्स आपको पहन लेना है पहले, कोई भी लाइट का काम करे अपने सेफ्टी के साथ काम करे, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। तो दोस्तों, आप रेडी है, ग्लव्स पहन लिया होल्डर पकड़ने के लिए। होल्डर को हमेशा सावधानी से, जब हम इस तरीके से वेल्डिंग करेंगे तो देखेंगे आप सक्सेस होता है कि नहीं, तो आप करंट के तार को जोड़ के देखते हैं कि हमारा वेल्डिंग मशीन चलता है या नहीं चलता। तो दोस्तों, पूरा वेल्डिंग मशीन जो कि बन के रेडी है, तो यहाँ देख सकते हो इसमें पूरा जो कि अर्थ का काम किया गया, और इसमें जो कि करंट छोड़ा गया, ये तार जाके इस तरीके से एक साइड में जो कि करंट आ रहा है, तो दूसरे रॉड से करंट पास होके इस होल्डर में आ रहा है। तो आप देखेंगे वेल्डिंग करके कि वेल्डिंग होता है या नहीं, तो उसके लिए हमें पहनना पड़ेगा ये गो स्टाइल मारने के लिए चश्मा, और साथ में एक ग्लव्स का याद रखना, दोनों हाथ में हो तो बेटर है, तो हमें एक हाथ में प्लास पकड़ना है, इसलिए हमें इसको नहीं किया। और कोई भी आप चीज को वेल्डिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से प्लास से पकड़िए, प्लास से पकड़ेंगे तो सेफ्टी और बढ़ जाता है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। पर अर्थ में आपको जब इस तरीके से लगाना है इसको, और जो आपका होल्डर बना है इसी से आपको इस तरीके से वेल्डिंग करना है। तो हम करके देखते हैं फर्स्ट ट्राई होता है या नहीं। ये देखिए गाइस, तो गाइस मैंने कभी पहले जो कि इस तरीके से वेल्डिंग नहीं मारा है, तो इसलिए चिपक जा रहा है। तो आप अगर वेल्डिंग मारने में एक्सपर्ट है तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि पानी से चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमें वेल्डिंग करने तो नहीं आता है, पर इस तरीके से हम जब इससे घिसते हैं ना, देखो वेल्डिंग पूरा हो रहा है। तो आप अगर कर सकते हो तो आपका ये जुगाड़ लाएगा। तो हम इस सरिया को जोड़ने का कोशिश करते हैं, अगर जुड़ता है कि नहीं। तो गाइस, यहां देख रहे हो मैं ये सरिया को जोड़ रहा हूं, तो ये सरिया जुड़ गया। अब ठंडा होने के बाद देखता हूं ये पक्का मजबूती इसमें दिखाया कि नहीं। तो गाइस,
इस तरीके से हमें तो वेल्डिंग करना नहीं आ रहा है, तो अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल जो कि वेल्डिंग मार सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो रॉड को मैंने आधा जला दिया और बिल्कुल अच्छी से ये वर्क कर रहा है, जैसे कि अभी भी देख रहे हो ये पूरा अच्छी से वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों आपका ये वेल्डिंग मशीन कैसे लगा जो पानी से डायरेक्टली चल रहा है? सिर्फ इसका खर्चा आपको बता दूं, ये सिर्फ रॉड का पड़ता है, यानी कि 10 रुपए के करीब आपको खर्चा पड़ेगा और इस तरह का जो कि वेल्डिंग मशीन बनके रेडी हो जाता है। और इसे यूज करने के लिए आप नॉर्मली जो कि घर में यूज करना चाहते हो तो आप वेल्डिंग मशीन से यूज करें, क्योंकि इस तरह का जो कि बहुत सारे यानी कि रिस्क भी है, आप तार वगैरह जोड़ना पानी के साथ करना, अगर नॉलेज ना हो तो इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो नॉलेज के साथ और सेफ्टी के साथ करना भी बहुत जरूरी है, तो आप सिर्फ इसका मजा ले और ज्यादातर ये सब काम करने का घर पे ट्राई बिल्कुल ना करें। तो आपको ये वेल्डिंग सेट अच्छा लगा ना तो इस पे लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।